पूरी रात को हिसार शहर के अंदर पुलिस का नाइट डोमिनेशन रहता है, यानी कि गाड़ियों की चेकिंग होती है, पुलिस रोड के ऊपर मुस्तैद रहती है। और फिर जैसे ही नाइट डोमिनेशन खत्म होता है तो दिन की पुलिस अपना चार्ज संभाल लेती है। अब शहर के अंदर चालान काटने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि सर्दी बढ़ चुकी है, धुंध आ चुकी है और धुंध के अंदर होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, और उसके अंदर सबसे बड़ी लापरवाही रहती है सीट बेल्ट की, कि हम लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते और जो व्यक्ति बाइक पर होता है वो हेलमेट का इस्तेमाल कम करता है, तो जिसकी वजह से आज एक बार फिर चालान जो है वो काटे जा रहे हैं। और IG चौक पर मैं मौजूद हूँ और इंटरसेप्टर गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जो गाड़ी चालान भी काटती है और उसके साथ साथ में ऑटोमेटिक, ये देख पा रहे हैं इसके अंदर ना एक कैमरा भी है, जो हाई स्पीड के अंदर लोग जाते हैं रोड के ऊपर उनको ट्रेस करके उनकी जानकारी निकाल लेती है, उनके पास में चालान भेजने का काम करती है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम सेट है कि कोई भी स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है तो 2 सेकंड में ये बता देती है कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है, 120 चल रही है, 125 चल रही है, 100 चल रही है या फिर कितनी चल रही है। 80 की स्पीड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है, और इधर आप देख पा रहे हैं इसे काफ़ी चालान जो है वो किए गए हैं, और इधर फिलहाल लगातार यहाँ पर चालान काटने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अलर्ट है, अभी एक गाड़ी यहाँ पर रोकी गई है और इसको भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे चालान जो है वो आज कर दिए गए हैं। और इधर भी एक गाड़ी रोकी गई है जो कि वैगनर है HR 26, यानी कि ये गुड़गांव का नंबर है, इस गाड़ी को भी रोका गया है, शायद इसका भी चालान हुआ है और काफ़ी सारे चालान आज किए जा चुके हैं। तो चलिए एक बारी बातचीत कर लेंगे, हमारे साथ में यहाँ पर ट्रैफिक से ASI नाम है जिनका, संतलाल जी मौजूद हैं, जिनकी अक्सर पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी ड्यूटी लग जाती है और पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करते हैं। अभी पीछे आप देख पा रहे हैं एक बाइक को रोका गया है और उस बाइक को वहां पर रोक लिया गया है, उसके भी अभी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और इधर भी इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं HR 20H 5155। फिलहाल एक और बाइक को भी रोक लिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बाइक और है, हेलमेट नहीं था जिसकी वजह से इस बाइक को यहाँ पर रोका गया है, और अभी इस गाड़ी का चालान यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर लगातार एड्रेस डाल रहे हैं, फ़ोन नंबर, जो भी इसके अंदर गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, जो भी चीज़ इसके अंदर डलती है वो सभी चीज़ें डाली जा रही हैं, और उसके बाद में इस गाड़ी का चालान होने वाला है। चालान इसका शायद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, इस वजह से इसका यही चालान होगा, और पूछते हैं अभी क्या क्या चालान होगा इस गाड़ी का। और उधर आप देख पा रहे हैं फिलहाल डॉक्यूमेंट निकाले जा रहे हैं बाइक के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइक का नंबर है HR 20AP 0707। जी इधर गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, बाइक के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो हेलमेट नहीं लगा रखा था, धुंध ज़्यादा हो चुकी है शहर के अंदर, ट्रैफिक नियम जो हैं वो ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से आज ये एक बार फिर चालान काटने की प्रक्रिया जारी है। इधर भी आप देख सकते हैं फिलहाल चालान जो है वो किया जा रहा है। तो फिलहाल चालान यहाँ पर किया जा चुका है, आप देख सकते हैं, और अभी रिसिप्ट आ चुकी है बाहर, ये देख सकते हैं ये पूरी रिसिप्ट बाहर आ चुकी है और अब इसका चालान जो है वो किया जा चुका है। अब सर से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कमी थी जिसकी वजह से ये चालान किया गया? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नहीं है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सर, क्या कहेंगे जिन लोगों के पास में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और जो सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रही हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जिनके पास? उनके बारे में तो यही कहेंगे कि अपने जो कागजात है पूरे रखें, ड्राइविंग लाइसेंस RC जो बना के रखे, पोल्यूशन बीमा, सीट बेल्ट लगाकर चले,
सर्दी का धुंध का भी टाइम है, बचाव है। तो आज कितने चालान किए गए हैं आईजी चौक पर सर आपके द्वारा? वो अभी बताया आपको, एक ये कर दिया, 9 चालान करे। तो ये चालान जो अभी हुए ये कितने रुपए का चालान हुआ? ये 5500 रुपये। 5500 रुपये का। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं 8-9 चालान यहाँ पर किए जा चुके हैं। एक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान भी यहाँ पर किया गया है क्योंकि इसके ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी, और 5500 रुपये का चालान यहाँ पर कर दिया गया है। अभी भी एक गलती जो है वो ये हो रही है, ये आप देख पा रहे हैं, एक मिनट रोक लीजिए। तो अभी भी ये चादर बाहर है, ये अंकल जी आपकी खेसी बाहर है, इसको अंदर कर लीजिए। ये खिड़की खोल के इसको अंदर कर लीजिए, ये देख सकते हैं थोड़ी सी एक गलती जो है वो भारी पड़ सकती है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी के अंदर निकल गए, क्या करें, 5500 रुपये का चलान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लापरवाही जो है वो सरेआम नज़र आ रही है। आपका क्या मानना है एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, हिसार शहर में आ रहे हैं, तो गाड़ी के कागजात पूरे कर लें, बाइक पर आ रहे हैं तो हेलमेट लगा लें, और गाड़ी पर आ रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर बांध लें, और सर्दी का मौसम आ चुका है, गाड़ी को आराम से चलाएँ। और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। अगर आपके पास में कोई भी रिपोर्टिंग है, आपके आसपास में कुछ भी गलत हो रहा है, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।